हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, यूजी जो होता है वो उस स्पेस लूप में फंस जाता है, जहाँ पे कई बार वो डेथ टॉर्चर सहने के बाद वापस से जिंदा होता है और अपने लास्ट अटेम्प्ट में वो उस असुरा जूसी को हरा ही देता है। और उसे हराने के बाद उसे 5 सेंस ऑफ गॉड फाइटिंग की स्किल्स मिलती है और अपने इसी 5 गॉड सेंसेस को अवेकन करने के लिए उसे अपने एक्सट्रीम एंगर की जरूरत है। आगे जब वो उसे स्पेस लूप से बाहर आता है और अपने फ्रेंड शिहोरी से मिलता है, तो उसे एक अनप्लेजेंट सच का सामना करना पड़ता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को कई यातनाएं दी गई हैं, जिसके कारण वो अब डिसेबल हो चुका है। लेकिन पहले वो एक फाइटर जीनियस हुआ करता था और अपनी इसी मर्यादा को बचाने के लिए वो फिर भी उस फाइटिंग कॉम्पिटिशन में जाता है और अपनी इसी डिसेबिलिटी के कारण उसकी वहाँ पर निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस बात ने यूसी को झिंझोड़ दिया होता है और वो उसी फाइटिंग सेरेमनी में पहुंच जाता है, जहां पे उस फाइटिंग फेस्टिवल में वो आने वाले हर वॉरियर्स को खत्म कर देना चाहता था और उन्हीं के खून से वो शिहोरी को एक आहुति पेश करना चाहता था। क्योंकि कहीं ना कहीं यूसी को ये लग रहा होता है कि शिहोरी की मौत की वजह वो फाइटिंग फेस्टिवल की ही सेरेमनी थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस बैटल स्टेज पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी थी। अब इस दृश्य को देखते ही वहाँ पे मौजूद सारे असुरास दंग रह जाते हैं कि आखिर एक सेकंड में यहाँ पे क्या हो गया। वहाँ का जो एल्डर होता है वो यूसी से कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पे इस तरह का हत्याकांड करके एक क्राइम किया है, जिस पे यूसी उसे जवाब देता है कि यही तो इस सेरेमनी का नियम है और किंग के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं कि जो ताकतवर और बलवान है वो हमेशा कमजोरों को इसी तरह से एलिमिनेट करेंगे, और मैंने तुम्हारे ही किंग के द्वारा बनाए गए इस सेरेमनी के नियमों का पालन किया है, तो इसमें गलत क्या है। और अभी किसी को लगता है कि मैं यहाँ पे दोषी हूँ तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है। मैं यहीं पर हूँ और जो मेरा सामने करने की हिम्मत करेगा उन सबको मैं मौत के घाट उतारने की काबिलियत रखता हूँ। अब ये सुनते ही वहाँ के जो फर्स्ट क्लास के फाइटर होते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ यूसी से फाइट करने के लिए एक बंदा मैदान में उतरता है। उस बंदे को सभी टैंक वॉरियर कह रहे होते हैं और पूरी भीड़ सिर्फ उसे ही चेयर कर रही होती है। आगे उस टैंक वॉरियर के ये पूछने पर कि तुम कौन से कबीले से हो और तुम्हारा नाम क्या है, यूसी यहाँ अपना और शिहोरी का नाम साथ मिलाकर उसे बताता है और बताता है कि वो कास्ट आयरन कबीले से है, जिसका नाम सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वही कबीला होता है जिसे एक साल पहले ही असुरा जूसी ने इस क्लैन के सभी बंदे को मार डाला था। अब जैसे ही यूसी इस बात को सुनता है वो गुस्से से भर जाता है और मानो उसके 5 गॉड सेंसेस अवेकन हो गए हों। दूसरी तरफ हम उस टैंक वॉरियर को ये कहते हुए यूसी की तरफ डाबा बोलते देखते हैं कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे क्लैन वालों के पास पहुंचा देता हूं। अब हमें लगता है कि यहाँ पे एक घमासान युद्ध होगी, लेकिन यूसी मात्र एक ही मूव में उस टैंक वॉरियर का वही खेल खत्म कर देता है। अब ये देख के एल्डर भी हैरान रह जाता है कि कैसे यूसी ने फर्स्ट क्लास के फाइटर को अपनी तलवार के मात्र एक ही मूव से मार डाला है। अब सभी लोग यूसी के बारे में ही बात करने लगते हैं, जिसके उसके एंगर को और एक्सट्रीम पावर मिलता है और उसे अब चैलेंज करने वाले जितने भी वॉरियर्स मैदान में उतर रहे थे वो उन सबको मारता ही जा रहा था। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और उस बैटल स्टेज पे अब कोई भी वॉरियर्स बचा नहीं था जो कि यूसी को चैलेंज कर सकता था। कि इतने में ही इस फाइटिंग सेरेमनी में होने वाले हत्याकांड की खबर किंग कुआंग को पहुंचाई जाती है। अब सारे लोग यहाँ पे यूसी को मॉन्स्टर की उपाधि दे रहे होते हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसके सामने आने की। तभी अचानक से वहाँ यूसी के सामने किंग कुआंग अपीयर होता है। अब जैसा कि हमें पिछले एपिसोड से पता है, इस पूरे असुरा जनजाति के 3 मेन राजा होते हैं जो कि अपनी खोखार क्यूरालिटी के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं तीनों में से एक किंग होता है जिसका नाम कुआंग होता है। अब सभी लोग यहाँ किंग को देख करके अचंभित रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि किंग कुआंग अब यहाँ पे इससे फाइट करेंगे तो इस लड़की की तो एक सेकंड में ही मौत हो जाएगी। आगे किंग कुआंग उसकी फाइटिंग स्किल को सराहते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही किंग उसे टच करता है, यूसी की 5 गॉड सेंसेस में से एक सेंस अवेकन हो जाती है, जिसके कारण अगर वो किसी को भी टच करेगा तो अपने ओपोनेंट के सारी पास्ट को देख सकता है, यहाँ तक कि उसमें कितना स्ट्रेंथ है और आगे कितनी देर तक वो उससे फाइट कर सकता है, ये भी वो देखने की काबिलियत रखता है। आगे हमें किंग कुआंग के पास्ट को दिखाया जाता है जो कि एक फर्स्ट क्लास वॉरियर का बेटा होता है। हमेशा उसके पिता यहाँ किंग कुआंग को डांटते ही रहते हैं और धिक्कारते रहते हैं कि उनके फर्स्ट क्लास के वॉरियर क्लैन में इस तरह का बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि किंग यहाँ एक विकार के साथ पैदा होता है। उसे वॉरियर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो बस लड़कियों की तरह सचना सवरना चाहता था। इसके लिए उसके कबीले के सभी लोग, इवन कि उसके पेरेंट्स, हमेशा उसे धुतकारते रहते थे। और एक दिन इसी आक्रोश में आकर के उसके पिता उसकी काफी पिटाई करते हैं, जिसपे किंग उन्हें चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी मर्जी वही होगी जो मैं बनना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए वो दौड़ कर अपने कमरे में चला जाता है और जब वो वापस आता है तो उसने कुछ ऐसा कर दिया होता है जिससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं।
किंग ने यहाँ पे एक लड़की बनने के लिए अपने गुप्त अंग को ही काट दिया होता है। ये देख करके सभी लोग उसे इतना मारते हैं कि वो मौत के कगार पे पहुंच जाता है कि तभी उसके अंदर एक ऐसा आक्रोश पैदा होता है जिसने उसकी ईवल ऑरा को जगा दिया होता है और इसी गुस्से की तपिश में आके वो चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि मेरी जो मर्जी होगी मैं उसी तरह से जीवन व्यतीत करूंगा। और देखते ही देखते वो अपने सारे घर वालों को मार डालता है। सभी को मारने के बाद उसे ऐसा लगता है मानो जैसे कि वो आजाद हो चुका हो और यहाँ पे उसे हम पागलों की तरह हंसते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है वही असुरा जूजी की जिसने यूजी को पहले किडनैप किया होता है। वो यहाँ इस किंग की इविल ऑरा को भांपते हुए वहाँ उसे किडनैप करने के लिए आ जाता है और उसे भी वही स्पेस लूप में ले जाता है जहाँ किंग को भी उसी तरह से डेथ टॉर्चर का सफर करना पड़ता है। लेकिन उसमें यूजी जैसी कैपेसिटी नहीं होती है। वो अपने 10वीं मौत में ही हार मान जाता है और जब जिंदी उसकी मदद करने को आता है तो उस टाइम लूप से भागने के लिए वो उसे ही मार डालता है। उस टाइम लूप को तोड़ने का बस एक ही तरीका था कि वो उन दोनों भाइयों में से किसी एक को डिफीट कर दे। यहाँ पे वो जिंजी को ही मार डालता है और उस टाइम लूप से बाहर आ जाता है जिसके कारण उसे भी 5 गॉड सेंसेस मिल जाते हैं और अब अपने इसी सेंस का यूज करके उसने यूजे के पास्ट को भी देख लिया होता है और ये जान करके हैरान रहता है और ये जान के हैरान रह जाता है कि यूजे उस स्पेस लूप को तोड़ने के लिए 100 से भी ज्यादा मौतें मर चुका है। अब यहाँ यूजे के इस पास्ट को जान करके किंग क्वांग जो होता है वो यूजी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और बताता है कि मैं इस जगह पे रूल करता हूँ और तुमने रैंडमली इन अशुराज की जो मृत्यु की है वो अपने दोस्त को जस्टिस दिलाने के लिए किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि किंग ने इतनी आसानी से इस बंदे को यूं ही छोड़ दिया। आगे किंग यूजी से कहता है कि तुम्हारी ये कल्टीवेशन पावर जो कि एक साल में इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है इसने मुझे ये जानने के लिए क्यूरियस कर दिया है कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है और वो इस चीज को परखने के लिए उस पे अटैक करता है। अब यूजे यहाँ पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है क्योंकि वो शिहोरे की मौत का कारण सिर्फ उस किंग को मानता है और वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता है। लेकिन हम उस किंग को देखते हैं जिसके पास शूरा पॉइजन की एक्सट्रीम पावर होती है और अपने इसी पावर का यूज करते हुए वो यूजे की एनर्जी को सक करने लगता है और उसे बताता है कि तुम्हें मारने के मेरे पास कई तरीके हैं लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता और वो उन तरीकों में से एक तरीका हजमा चुका होता है जो कि वो उसका पॉइजन अटैक होता है। लेकिन यूजे भी उसके पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। वो यहाँ पे उस किंग पे अटैक करता है जिससे उसके खून उसके शॉर्ट में लग जाते हैं क्योंकि जिसने उस पॉइजन को कर्स किया है अगर वो उसके खून को ग्रहण कर ले तो उसका पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अब इस बात से हैरान परेशान कि यूजे उसके फ्लेम पॉइजन से बच गया है किंग अपनी सेकंड ट्रिक आजमाता है जो कि उसकी इवन शार्प विंग्स होते हैं। उसके विंग से निकलने वाले जो फिदर होते हैं वो किसी शार्प ब्लेड की तरह होते हैं और ये शार्प फ्लेम इतने इनविजिबल होते हैं कि यूजे इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता और उनसे घायल हो जाता है। लेकिन यूजे ये कहते हुए कि मैं हार नहीं मानूंगा वो फिर से उस पे अटैक करने के लिए जाता है लेकिन हम किंग को देखते हैं कि वो अपने सराउंड एक पर्पल फ्लेम एक्टिवेट कर देता है जिसे यूजे अपनी कई कोशिशों के बाद भी तोड़ नहीं सक रहा था। जिस पे किंग उसे कहता है कि तुम एक नए नए उभरते सितारे हो लेकिन इस बैटलफील्ड का राजा मैं हूँ और तुम अपने इस छोटे मूव से तो मुझे नहीं हरा सकते। आगे किंग खुद ही उस फाइट को रोक देता है ये कहते हुए कि तुम में अभी वो काबिलियत नहीं है जिससे तुम मेरे ओपोनेंट बन पाओ, मींस कि तुम्हारे अंदर अभी वो एबिलिटी नहीं है जिससे तुम मेरा सामना कर सको। जिसपे यूजे उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की है और वो उसे हरा कर ही रहेगा। जिसपे किंग उसे इडियट कहते हुए कहता है कि अभी हमारे बीच जो हुआ है वो सिर्फ मैंने तुमसे हाय हलो किया है और मैं एक ऐसे एमलेस असुरा से नहीं लड़ सकता जिसके पास अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो और जो तुम बार बार अपने फ्रेंड शिहोरे की मौत का इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो उसकी मौत का कारण मैं नहीं हूँ बल्कि उसने खुद ही अपनी इस तरह की मौत को चूज किया था। और असुरा के यही रूल होते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है सिर्फ वही सर्वाइव कर पाता है, कमजोरों को हमेशा एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनका कोई यूज नहीं होता। और तुम्हारी फ्रेंड की मौत ने तुम्हें ऐसा बना दिया लेकिन फिर भी तुम अगर उसे रिपे करना चाहते हो तो इस तरह से रैंडमली एक के दुख के लोगों को किल करना ये उसे रीपे करने के बराबर नहीं होगा और उन बंदों से मुझे नफरत होती है जो अपने स्किल्स को इसी तरह से वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए अगर तुम मेरी बराबरी माना चाहते हैं तो तुम्हें भी किंग होना होगा और अशुरा किंग का टाइटल हासिल करने के लिए तुम्हें उन बाकी के दो किंग्स को डिफीट करना होगा और अगर तुम अपनी इस स्ट्रेंथ का यूज करके उन्हें अपनी फाइटिंग में हरा दो तो फिर तुम न्यूट्रल मीटिंग में जा करके न्यू अशुरा किंग बनने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो। लेकिन याद रखना तुम्हारी परफॉर्मेंस ही सब कुछ होगी लेकिन ये जर्नी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी और बहुत कुछ अचीव करने के बाद नेचुरली तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और फिर हमारी इस असुरा जाति के तुम नए अशुरा किंग कहलवाए जाओगे और सिर्फ किंग बनने के बाद ही तुम्हें नियमों को चेंज करने की अनुमति होगी। अब इसी के साथ यहाँ सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पे यूजर अपने फ्रेंड के बारे में ही सोच रहा होता है और वो काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहा होता है। यहाँ उसे अपने दोस्त की काफ़ी याद आ रही होती है, क्योंकि हमेशा इस तरह के सिचुएशन में शिहोरी उसे एक अच्छी एडवाइस देता था कि तभी यूजर शिहोरी के अपने पास इमेजिन करने लगता है, जैसे कि शिहोरी की स्पिरिट उसे मिलने के लिए आई हो और वो उससे पूछती है कि मुझे लगता है कि तुम किसी ट्रबल में हो, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। कि इतने में ही यूजे को छिप करके कोई देख रहा होता है। ये वही एल्डर की बेटी अकीरा होती है, जो कि यूजे की पावर और उसकी पास्ट को जानकर काफी इम्प्रेस हो चुकी होती है। वो यूजे को इस तरह से हवा से बातें करते देख हैरान रह जाती है। आगे यूजे शिहोरी से कहता है कि अशुरा की जिंदगी सिर्फ बैटल पे ही निर्भर है और इन अशुरा की क्रूर रियलिटी को बदलने के लिए उसे रूल्स को चेंज करने की जरूरत है, और इस तरह के निर्दय रूल्स पहले नहीं बनाए गए होते तो हमारी डिस्टिनी अलग होती और हम दोनों अभी साथ होते। इसीलिए यूजे ये चाहता है कि वो अशुरा जनजाति की ये जो क्रूर नियम है उसे चेंज करे, लेकिन अगर वो उन रूल्स को चेंज नहीं कर सकता तो उसे उस पोजीशन पे पहुंचना होगा जहां वो नए रूल्स को बना सके। इसलिए उसने निश्चय किया है कि वो एक नया फोर्थ अशुरा किंग बनेगा जो उन तीनों किंग्स को डोमिनेट करेगा, अशुरा जनजाति के लिए नए रूल्स बनाएगा, साथ ही उन्हें हेवनली पैलेस की तरफ ले जाएगा जहाँ से कई सौ साल पहले उन्हें खदेड़ करके बाहर निकाला गया था। शिहोरी इसमें उसे कहता है कि वो उसे सपोर्ट करेगा और जब तक यूजे उसे याद करता रहेगा वो उसकी मेमोरी में हमेशा जीवित रहेगा। ऐसा कहते हुए वो एक स्टार बन जाता है, लेकिन जाते हुए वो ये आगाह कर जाता है कि तुम्हारी आने वाली जो जर्नी होगी वो काफी मुश्किलों और एकांत से भरी होगी, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और तुम्हारी उस जर्नी में मैं हमेशा एक सितारे की तरह तुम्हारा साथ दूंगा। अब शिहोरी के स्टार बनते ही यूजे काफी इमोशनल हो जाता है। उसे देखने से लगता है वो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन उसी समय उसे कंसोल करने के लिए अकीरा उसे पीछे से हक करती है। अब अपने सामने अकीरा को देख करके यूजे हैरान रह जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पे अकीरा उसे कंफर्ट करने के लिए कहती है कि तुमने जो ठाना है वो तुम जरूर कर पाओगे और मैंने पहले से ही अपने पूरे क्लैन की तरफ से तुम्हें अपना किंग मान लिया है। अब आगे अकीरा उसके लिए कोई चीज लेने के लिए जाती है, लेकिन इतने में यूजे ये डिसाइड कर लेता है कि उसे न्यू अशुरा किंग बनने के लिए उन दो किंग से जल्द मिलना होगा। कि तभी सीन चेंज होता है और हमें उन्हीं दो किंग में से एक किंग को दिखाया जाता है। अब इस किंग का नाम छान होता है, जो कि हमेशा की तरह अपनी मरी हुई बीवी के स्प्रिट के पास आता है। उसकी वाइफ का नाम सिलरी होता है, जिसकी आधी स्प्रिट यहाँ जमीन के बाहर होती है और उसकी आधी स्प्रिट डार्क वर्ल्ड में होती है। अब उसकी ये हालत कैसे होती है यह हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिलरी को फ्यूचर की झलकियाँ नजर आती हैं, जिसे देखते हुए वो भविष्यवाणी करती है कि फोर्थ अशुरा किंग जल्द ही अपेयर होने वाला है। वो क्राइंग सिटी से तुम्हारी तलाश में जल्द ही यहाँ पे पहुँचने वाला है। उसने थर्ड किंग किंग कुआंग को भी पछाड़ दिया है, जिसपे किंग जान उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने फ्यूचर में ये देखा है कि वो जो नया फोर्थ अशुरा किंग होगा वो हमें वापस से हेवनली पैलेस पहुंचाएगा। जिसपे सिलरी उसे बताती है कि वो हमें वापस से हमें स्वर्ग के हेवनली पैलेस में पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो नया फोर्थ किंग इसमें अहम भूमिका निभाएगा और स्वर्ग तक पहुँचने की जर्नी में तुम्हें उसका साथ देना होगा। आगे सिलरी उससे पूछती है तो क्या तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो, जिसपे किंग जांग के ये कहते ही कि हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम जरूर एक दूसरे से मिलेंगे। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें एक और इंटरेस्टिंग से सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दूसरी किंग एक फीमेल होती है और इस किंग की काफी मिस्टीरियस विच जैसी पर्सनालिटी होती है, जिसे देवताओं से घनघोर नफरत होती है उन सभी किंग्स में। इसका नाम किंग वांगा होता है और इसके पैलेस में दो देवताओं को पकड़ के लाया गया है। अब इसकी एक भयानक आदत होती है, यह हमेशा देवताओं का शिकार करती है और उसे पकड़ के अपने दरबार में बुलाती है। आगे हम देखते हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और अपनी नफरत को कम करने के लिए वो उन्हीं देवताओं का मांस खाती है और उनके खून से अपनी प्यास बुझाती है। अब आगे वो पकड़े हुए उन दो देवताओं में से एक का मांस पेश करवाने के लिए ऑर्डर देती है। यहाँ हम वांगा को देखते हैं जो कि उस देवता के ताज़ा ताज़ा मीट को एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी सेविका उसे फाइटिंग सेरेमनी में होने वाले कांड के बारे में बताती है कि एक यंग बॉय अपेयर हुआ है जो कि न्यू अशुरा किंग बनने की जर्नी में निकल चुका है। उसे काफी पावरफुल अशुरा माना जा रहा है और कोई भी चैलेंजेस उसके सामने टिक नहीं पाता, जिसपे वांगा उसे कहती है कि एक नया टाइगर रिबॉर्न होने वाला है और जिसे यहाँ पे आना है आने दो, क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकता और अभी के लिए जो फ्रेश मीट है वो अपने साथियों को डिवाइड कर दो, क्योंकि ये उसके लिए सबसे खुशी की बात है। वो यहाँ हार्ड वर्क करती है ताकि गॉड्स को कैच कर सके और उनके मीट को अपने साथियों को फीड करवा सके, और वो उनके मीट को एंजॉय करके सभी लोगों को ये तैयारी करने को कहती है कि हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब स्वर्ग लोक के हर गॉड को ना किल कर लें। अब इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है।